कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ग्रोथ। यासीन हमारे बीच मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडर 93 एंड 10। तो मैं इजाजत चाहूंगा आज की इस ओपनिंग सेरेमनी स्पोर्ट्स एंड फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स। जय हिंद गॉड, जय हिंद गॉड। आपको दिया जा रहा है सर एक यादगार। लेके जिनका सामना करेंगे अदनान, इसी बीच बेहतरीन गेंद, यहाँ पे जबरदस्त बैट्समैन और जबरदस्त बॉलर, इसी बीच आए गेंद की एक और डॉट डिलीवरी कट कर दिया यहाँ पे पॉइंट की जान। जब तक ऋतिक शर्मा आपके बॉल को थ्रो करते तब तक दोनों ही जाहिद अली अगर बाहर जा रहे हैं तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पहल है और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर और बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे भी मैं पुंछ के लोगों के बारे में और पुंछ के जो जवान यहाँ पर हैं, जो बच्चे हैं, उनके बारे में काफ़ी दिनों से सुन रहा था कि इनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोग पसंद करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से जब से मैं यहाँ पर आया हूँ जो देखने में मिला है वाकई बहुत ही खुशी होती है आप सब लोगों को इन चीज़ों को एंजॉय करते हुए। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट के 11 जोन्स में 5-5 टीमों के जो कंपटीशन करवाए, वहाँ से जो विनर रही टीमें उनका जो कंपटीशन जो है उसका आगाज़ आज यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में हुआ। इसमें से जो विनर होंगी उनको 15 अगस्त के दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसिलिट किया जाएगा। और मेन मकसद इसका जो है कि हमारे मुल्क को 75 साल हो चुके हैं उसकी एक सेलिब्रेशन, जिसका एक हमने थीम रखा आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत ये टूर्नामेंट हो रहा है। और दूसरा जो हमारा यूथ है उसको जो है स्पोर्ट्स की तरफ मायल रखने का भी एक हमारा ये मुद्दा है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो जो है बुरी मंशियात या किसी गलत रास्ते से पैर ना भटक जाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स की तरफ माइल किया जाए, ताकि हमारा यूथ जो है वो अच्छे रास्ते पे चले और हमारा मुल्क तरक्की करे।